यूट्यूब चैनल लठवाल राइडर और सारे नु प्यार भरी नमस्कार। आज है 31 तारीख, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब 1 तारीख होगी, नया साल होगा। तो मेरी तरफ से सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी मेरे व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। और एक चीज़ बता दूँ, मैं इस वीडियो के थ्रू जो नए व्यूअर्स मुझसे कनेक्ट हुए उनको बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक सीरीज चल रही है कश्मीर टू कन्याकुमारी में। अभी मैं कर्नाटका में हूँ और आज शाम तक मैं कन्याकुमारी पहुँच जाऊँगा। स्टार्ट किया था मैंने कश्मीर से 19 तारीख को और आज के दिन है 31 तारीख, पर आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो 1 तारीख है। तो मैं ये आज शाम तक कन्याकुमारी पहुंच जाऊंगा। और कन्याकुमारी में मेरे 3 से 4 दिन लगने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे कई जगह है जो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जैसे कि रामेश्वर मंदिर है, कन्याकुमारी का एक लास्ट विलेज बताया जा रहा है, मुझे खैर इतना नॉलेज नहीं, किसी ने बताया यहीं पर, तो वहाँ जाके सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना का, पूरी सीरीज़ को प्यार जरूर देना और वीडियो 5 आदमियों तक शेयर कर दिया करो, ठीक है। हमारा सेटअप हो चुका है, बाइक बिल्कुल रेडी है, चलने के लिए तैयार है। तो आज की राइड शुरू करता हूँ महादेव के नाम के साथ। मैं थोड़ा सा उल्टा चढ़ गया हूँ, मेरे को जाना है उस हाईवे पे और उधर पीछे जाना है, पर वो गूगल ने यहाँ भेज दिया, तो मेरी क्या गलती है इसमें। अब मैं आगे से यू टर्न करके फिर लेके आ रहा हूँ। कन्याकुमारी 220 किलोमीटर फ्रॉम एयर, यहाँ 223 है। एक ही जगह पे दो बोर्ड लगे और दोनों जगह पे डिस्टेंस अलग अलग है। सुबह सुबह मैंने कोई नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, तो चाय तो पी लेता हूँ। मिलेगी यहाँ मिले तो चाहिए, मिलेगी मिलेगी। भैया चाय मिलेगा, चाय टी टी जी। ये दाल का बंदा कोई दाल वड़ा कह रहा है, चाय और दाल वड़ा नाश्ता से टाइप हो जाएगा सुबह सुबह है, ठीक है। आज की वीडियो में डाल रहा हूँ, बल्कि जो कल की वीडियो थी ना वो मैंने अभी तक पोस्ट नहीं की, और 10 से 10:30 के बीच में मैं पोस्ट कर देता हूँ, आज लेट हो गया, अभी पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। लो जी चलते हैं, टाइम 10:15 का हो गया है और वीडियो भी अपलोड कर दी कल वाली जो अभी देख रहे हैं आप, नहीं जो पिछला व्लॉग देखा। अंकल ने ना सीटी बजा बजा के मुझे उठा ही दिया। अंकल बजा ना, बजाओ सुर। ये सीटी बजा बजा के यहाँ पे रोक रहे हैं कस्टमर को। आज मैं आराम से जाऊंगा, क्योंकि डिस्टेंस इतना नहीं है, 220-22 किलोमीटर सारा ही है, तो मैं अगर धीरे धीरे रुकता रुकता भी जाऊं तो आराम से पहुंच जाऊंगा। कन्याकुमारी यहां से 170 किलोमीटर दिखा रहा है और ये रोड ना बिल्कुल स्ट्रेट है, इस पर इतना ट्रैफिक भी नहीं है। जब से आज से मैंने स्टार्ट किया ना, बहुत कम गाड़ियाँ दिखाई दे रही है इस रोड पर, बहुत कम। यहाँ पर ना मुझे लगता है मैं भूखा रहूँगा, क्योंकि मेरे टाइप का खाना नहीं मिल रहा मुझे यहाँ। बहुत कम गाड़ियाँ और सीधा रोड है, गांव भी यहाँ पे बहुत कम, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब आगे कुछ नहीं है, खाली है, इस तरीके का आगे रोड है। थोड़ी देर बाइक को रोक लेता हूँ, यहाँ पे छाया है पेड़ की। बैठने की भी जगह है, यहाँ गर्मी ज़्यादा है, उमस होती है ना, जो उमस मतलब चिपचिपाट वाला मौसम हो जाता है, वो गर्मी है यहाँ पे। ये देखो कैसे मतलब लुंगी लुंगी में घूम रहे हैं लोग यहाँ पे। तकरीबन 35-40 मिनट होगी मेरे को यहाँ बैठे हुए, आगे जाने का दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि डिस्टेंस इतना है ही नहीं, सारा 180 किलोमीटर पड़ा है यहाँ से। फिर वहाँ जाके ये तो है नहीं कि मैं आज गया तो एक्सप्लोर कर लूँगा, वहाँ जाके भी मुझे आज नाइट में स्टे करके कल ही एक्सप्लोर करना है। तो फिर मुझे लगा कि क्यों मतलब इतना प्रेशर में, हड़बड़ाहट में 15 दिन 14 दिन से लगातार बाइक चला रहा हूँ,
वैसे 12वां दिन है, पर मैं 2 दिन इसलिए गिन रहा हूँ क्योंकि हरियाणा से मैं कश्मीर गया था तो 2 दिन वो भी जुड़ गए। 12 दिन कश्मीर से इधर में हुए हैं कंटिन्यू बाइक चलाते हुए, मुझे आज 14वां दिन है। तो अगर दूर होता तो मैं फिर खींचता। अभी एक बात बताऊं, लगातार जब 14-15 दिन बाइक चलाता हूं ना, या कोई भी चला ले 100 किलोमीटर भी चलाना मुश्किल हो जाता है, उस पर बैठने को दिल नहीं करता बाइक पे, ऐसी सिचुएशन है। अभी पीछे एक ढाबा है, दिखाऊं मैं आप लोगों को, ये देखो। पर ये मैं पूछने गया यहाँ पे खाना मिलेगा, किसी सब्सक्राइबर ने मेरे को ये बोला कि अगर इनसे बात करनी है ना तो गूगल में टाइप करो कन्नड़ टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, फिर ये समझेंगे। मैंने किया था फिर अच्छा लगा। अभी आगे किसी ढाबे पे जाऊंगा मैं इसी तरीके से बात करूंगा ताकि मुझे बात करने में प्रॉब्लम ना हो। अब 5-10 मिनट में और चलता हूँ फिर यहाँ से बैठ के, आज आराम से जाना, आज कोई जल्दी नहीं है। बहुत खींच ली मैंने बाइक, बहुत खींची। और एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो टायर ना बिल्कुल टकला हो गया, दिख रहा है, मतलब साइड से तो है लेकिन बीच से ना, बीच से गया बाइक टायर। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि 5000 किलोमीटर के करीब चल पड़ा, 5000 से भी ज़्यादा चल पड़ा ये, जब मैं कह रहा था कि मुझे टायर चेंज कराना है, नेपाल गया था जब कह रहा था मैं, और जब से चला ही रहा हूँ मैं इसको। जिस दिन इसमें पंचर हो गया उस दिन मेरी शामत है फिर। एक घंटा बैठ गया होगा मैं यहाँ पे, पर वही है ना जैसे अभी बताया कि टेंशन नहीं है, मतलब कहीं ये नहीं है कि मैं शाम तक नहीं पहुँचूंगा, मैं आराम से पहुँचूंगा शाम तक। एक एक घंटा भी बैठ के भी अगर मैं बाइक चलाऊंगा ना तब भी मैं बहुत तेजी पहुँच जाऊँगा। अभी मैंने टाइम देख लिया, 12:06 हो गए, अब पूरा 1:06 पर फिर रोक लूँगा क्योंकि कोई जल्दी नहीं है। ये मंदिर है यहाँ का, सिर्फ लैंग्वेज अलग है बाकी सब सेम है। गणेश भगवान जी, सभी भगवान जी बैठे हैं। जब हाले दिल, यहाँ पे एक चीज देखी मैंने, फूल बहुत बिकते हैं, हर गाड़ी पे फूल देखे मैंने पीछे लटके हुए। मैं तो वैसे ही रोड से नीचे उतर गया, मेरे को देखना है कि मतलब क्या है यहाँ का कुछ गांव माहौल कल्चर। आज हमें मालूम हुआ क्या चीज मोहब्बत होती है, एक रोज अगर तुम न मिलो दीवानों की हालत होती है। क्या कर रहे हैं? यस यूट्यूब चैनल, यस वेयर आर यू गोइंग? कन्याकुमारी चैनल लिंक முன்னாடி இருக்கா பாரு। वेयर आर यू फ्रॉम? तिरुनेलवेली पुलियंपट्टी। हां पुलियंपट्टी அப்பறம் அந்த சேனல் ஐடி तिरुनेलवेली ஓகே ஏரியா திஸ் ஏரியா ஓகே எடுமா அப்பற போட்டல நம்ம எல்லாத்தையும் எடு राइस एंड वेजिटेबल अवेलेबल हेयर चापड़ावा यू गो स्ट्रेट ओके दिस एरिया साबरे का साबरे हां हां साबरे हैदराबाद हैदराबाद
अच्छा हरियाणा हरियाणा। साई मंदिर, दिस इज साई मंदिर। व्हाट इज दिस इन फ्रंट? अरे ओके, एक मिनट, वन मिनट। मेरे को शायद साई मंदिर दिखा था, वो पहाड़ी पे किस बोर्ड लगा हुआ था। ए ब्रदर, साई बाबा कोई? हाँ साई बाबा टेम्पल। साई बाबा टेम्पल, हाँ ओके ओके ओके। अरे ये कहाँ उतार दी भाई मेरे? ओ भाई बस टायर पंचर ना हो जाए यहाँ, ये तो एडवेंचर हो गया। मैं इसलिए कट मार दिया मैंने, क्योंकि टाइम बहुत है और तकरीबन 80 किलोमीटर के अप्रोक्स है कन्याकुमारी, 80-70 कुछ ऐसा ही है। अरे वाह, बिल्कुल सामने, क्या बात है। अब जो टाइम बचा था मेरे पास उसका मैं फ़ायदा तो लेऊं कि इस दौरान मंदिर के दर्शन कर लूं मैं साईं बाबा के। ये आ गया मंदिर साईं बाबा का। This is Sai Temple. Yes, yes. Thank you, bro. ये भैया बता रहा है कि शनिवार और संडे को ही साई मंदिर में गेट ओपन होता, अभी ये बंद है ये देखो। तो फिर पहले ही बता देता भाई मेरे, बंद था तो दरवाज़ा बंद है। जय साई बाबा। तो साई बाबा के द्वार तक आया भी और अब वापस जा रहा हूँ क्योंकि दर्शन नहीं होंगे। हे ब्रदर, आई वांट राइस एंड वेजिटेबल। यू कीप 5 किलोमीटर्स बाईपास, यू गेट ढाबा, अर्बन ढाबा। अर्बन ढाबा, हाँ ओके। चलो चलता हूँ यहाँ से, भगवान जी के द्वार के तो दरवाजे शनिवार को और संडे को खुलते हैं, सैटरडे संडे। राइस, हाँ राइस ओके, एंड दाल वेजिटेबल, हाँ ओके। अर्बन की बात, ओहो हो, अरे तेरे पैर कहाँ हैं? तेरे पैर छूने हैं? 2 बज गए सुबह से, भूखा मरा पड़ा हूँ। तो ये 3 सब्जियाँ दे दी हैं, मुझे पता नहीं है तीनों सब्जियों में से कौन कौन है। पापड़ का पता बस मुझे कि ये पापड़ है, प्लेट है ये, इस पत्ते को प्लेट बोलते हैं। रोटी तो खैर यहाँ मिले नहीं, चावल ये मुझे पता नहीं क्या है, ये तो और भी ले आए। व्हाट इज दिस? स्वीट, स्वीट ओके ओके। सांबर, सांबर रख दो, कहाँ रख? ओके, यहाँ पे चम्मच नहीं मिली, ऐसे ही खाना पड़ रहा है। ऐसे खाने की आदत नहीं है ना, बोलते वक्त हंसी भी छूट रही है देखना। पहली बार हाथ से खा रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है। खाना वाना खा के फुल हो गया, अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से। 67 किलोमीटर के करीब है और ये देखो टेम्परेचर देख लो यहाँ का, 33 दिखा रहा है, 33-34। गर्मी में जल रहा हूँ, भागता हूँ मैं यहाँ से। तो मेरे बच्चे भी कोई नहीं आओ ओके। थैंक्स, सलाम, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम।
जय भोलेनाथ। गर्मी इतनी भयंकर वाली लग रही है ना, इसलिए भगाया बाइक को मैंने, तो बहुत गर्मी लग रही है यार। कन्याकुमारी यहाँ से 60 किलोमीटर है यार। आज तो मैं कहीं नहीं घूमता, आज कहीं नहीं जाऊंगा घूमने, आज सिर्फ जाके रेस्ट करूंगा। रील शेयर मी ऑन इंस्टाग्राम, आई हियर दिस रील शेयर मी ऑन इंस्टाग्राम, थैंक यू। मैंने इनको बोला ही इन्होंने रील बनाई, मैंने कहा ये मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना। ये जो फैन टाइप है ये इतने सारे क्यों चला रखे हैं पता नहीं। ए ब्रदर व्हाट इज दिस, पिज्जा पिज्जा पावर सप्लाई, कमाल है यार ये कैसे करते हैं पावर सप्लाई, सप्लाई कैसे हो रही है पता नहीं हवा से। अरे बाप रे, वाकई में पावर सप्लाई है यहाँ पे, आवाज़ जैसे बिजली के तारों में होती है, वो आवाज़ बिजली के तारों में आती है ना ऐसे आ रही है पर पर। वेलकम टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में मैं पहुँच चुका हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। और ये जो आपको इधर में देखने को मिलेगा ये रेलवे स्टेशन है इधर कन्याकुमारी का, कन्याकुमारी भाई पहुँच चुके हैं हम। और कन्याकुमारी में आते ही ट्रैफिक जाम ने मेरा स्वागत कर दिया, अभी मेरे को जाना कहाँ है, गोवालम गोवालम मैं लोकेशन भरता हूँ इसमें उसके हिसाब से ही जाऊँगा, क्योंकि सामने तो समंदर आ गया, फिर रास्ता ही ख़त्म है। ओके, लोकेशन मैंने लगा दी है होटल राजा पैलेस करके कोई है, 3 मिनट का रास्ता है, 1.2 किलोमीटर है, चकते फटे नपते किले। होटल तो यही है पर ये लोकेशन यहाँ कैसे लिया है, थोड़ा सा अंदर घुसा दिया इसने, खैर कोई नहीं बाइक अपने पास, देखते हैं जाके अंदर क्या बोलता है। सर रूम होगा, रूम होगा सर, नहीं होगा यहाँ पे रूम नहीं मिला, कारण क्या है कि कल 1 तारीख है मेरे ख्याल से, इसीलिए नहीं दिया इन्होंने, बुक हो गया होगा फुल, नया साल है ना। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सर्च मारना पड़ेगा मेरे को रूम। लठवाल राइडर वेर आर यू फ्रॉम, नागपुर, अरे वाह, किस से, बस से आए हैं, ट्रेन ट्रेन से, अभी होटल ले लिया, कौन सा मिल गया, कितने रुपए में, अभी पता नहीं, अभी पूछेंगे जाके। तो तुम्हें कैसे पता वो बाजू वाला है, हमने देख के आए ना गूगल पे, यूट्यूब पे वगैरह चलो मेरे को भी होटल ही लेना है। हाँ चलिए साथ में चलो। कौन सा बाजू वाला, ये
इसमें तो कुछ नहीं है, बंद है। अच्छा आगे है। तुम तो बहुत आदमी हो, कितने बंदे हो तुम? 8 जन। अरे बाप रे, तुम्हें तो दो रूम चाहिएंगे। तो जी ये होगी अपनी बाइक खड़ी। अब ये बिल्डिंग कौन सी है मैं बाहर से दिखाता हूँ आप लोगों को। वो तो तमिल में लिखा हुआ है। अरे रे फोन गया, फोन गिर गया था। यह है भारत सेवा आश्रम संगा, ये बिल्डिंग है। और ये भाई लोग मिले थे जो कहाँ मिले थे, इसे आगे वाली बिल्डिंग में मिले थे इधर ही। तो इन्होंने भी यहीं पे ले लिया और मैंने भी यहीं पे ले लिया। अब कहाँ जा रहे हैं? हम अभी ऐसे कोई मटू जाएंगे। अरे मैं अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम चर्च जाएंगे। चर्च घूम के आ रहे हैं और फिर बीच पे चलेंगे। चाचा ये हथियार क्या करने का है, इससे क्या होता है? पोर्टी का तो है, यो करने का क्या है, ये तो घुसाई दे। और ये 300 इट्स आयरन, ये लोहे का है, बहुत अच्छी चीज होती है। हेलो जी, पहुंच गए। इधर सनसेट पॉइंट है, पूरा सनसेट दिखाएंगे आपको व्लॉग में, बस बने रहना। ये आ गया जी समंदर। अरे बाप रे, वहां जाऊंगा मैं, वहां जाके बैठ जाऊंगा। जूम करके दिखाऊं, कोई अंतर नहीं है। बीच पे आ गया हूँ और ये लास्ट पॉइंट है अभी जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। आगे पुलिस वाला खड़ा है, देखो ये किसी को जाने नहीं दे रहा है। ट्राई शोर बहुत हो रहा है, मेरे ख्याल से नॉइज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। आज के व्लॉग का मैं एंड कर रहा हूँ। ये देखो मैंने कैमरा लगा रखा है इधर में, ठीक है। टाइम लैप्स लगा हुआ है, वो देखो सर सनसेट हो रहा है उधर से। उसके बाद कल मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपको।